केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में रेल बजट भी पेश किया गया। रेल बजट में रेलवे ट्रैक की संख्या बढ़ाने तथा यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी का भी प्रस्ताव किया गया है। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। आज की रेल बजट में मुख्यतः ट्रैक, रोलिंग स्टॉक और यात्री सेवाओं के सुधार के लिए केंद्रीय बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2018 से 2030 के बीच में रेल और संरचना के लिए 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए जो रेलवे का पूंजी परिव्यय प्रतिवर्ष अभी चल रहा है 1.5 to 1.6 लाख करोड़ रुपए है, तो सभी मंजूर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा। इसके लिए निजी इसका सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया गया है।